स्वागत है, आप देख रहे सक्षम न्यूज इंडिया और मैं हूँ राजपूत। जहाँ पूरे देश में आज ईद जो है बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है, वहीं दिल्ली के प्यारे लाल ऑडिटोरियम में जो है बच्चों की कला से जो है पूरा ऑडिटोरियम झूमा पड़ा है। इस डांस को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो ऑर्गेनाइज बैक किए उन्होंने धनंजय राठी जी किए, जिन्होंने बच्चों के टोटल 75 बच्चों का परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया और फ्लैश बैक में ले जाके दिखाया कि कौन से एक्टर्स किस जमाने में मशहूर थी और कौन से गाने पे मशहूर थी। बच्चों की सारे परफॉर्मेंस अच्छे देखने को मिले। सांसद जी रमेश त्रिपाठी यहाँ पे आए, जिन्होंने अपने जो बच्चों की कला देखी और बच्चों के बारे में बताया। अब जो है धनंजय जी से जानेंगे कि आखिर क्या क्या कलाएँ इन्होंने बच्चों के अंदर डाली और बच्चों को आगे बढ़ाने का मकसद क्या। हम चाहते हैं कि पुराने जमाने की क्वालिटी अगर नई जनरेशन में आ जाए तो कितना धूम फैक्टर निकल जाएगा। हम उस चीज़ को लेकर हमने ये शो ऑर्गेनाइज किया बच्चों के लिए, ताकि उनको एक नया प्लेटफॉर्म मिल सके और आने वाले टाइम पर धूम फैक्टर की तरह आने वाले टाइम पर वो एक बेस्ट ब्लास्टर बन के निकले। भाई जी, आपके परफॉर्मेंस में हर एक सीजनल वाइज जो है कौन से जमाने में कौन से एक्टर्स, साथ ही हर एक भाषा में, पहाड़ी में, देन सारे राजस्थानी भाषा में डांस, लेकिन इस परफॉर्मेंस से एक परफॉर्मेंस हमें ऐसा दिखा है जो कि स्वच्छ भारत अभियान को लेकर, इसके बारे में क्या कहें। आपको पता है कि वैसे भी दिल्ली में और इंडिया में किस तरीके से हम रहते हैं और हम कितना अनकेयरफुली सपोर्ट करते हैं, हमें बस थोड़ा सा केयरफुल रहने का वो है। और सफाई अभियान जो हमारे मोदी जी का जो एक मेन जो एजेंडा है, हम उसके ऊपर मेन हमने फोकस किया है। हम चाहते हैं कि वो हमारा, हम उनके लिए अगर हम एक छोटी सी चीज़ भी करें तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो हम उसी चीज़ को लेकर हमने आज बच्चों के स्वच्छ भारत के ऊपर एक छोटी सी परफॉर्मेंस करने की कोशिश की, ताकि हम सामने वाले को बता सकें कि किस तरीके से हम छोटी छोटी चीज़ों से अपने देश को बड़ी तरक्कियों से मिला सकते हैं। जो लोग नहीं आ पाए, जो लोग हमारे चैनल के माध्यम से आपको नहीं आ पाए, क्या संदेश रहेगा उनको आने वाले 5 तारीख को? शायद आपका ऑडिशन है, कहाँ पे है, कैसे कैसे जो सब कुछ। सर, हम ये चाहिए बस यही बता सकेंगे कि वो हमारे शो का सपोर्ट करते रहे और हमारे शो का से मौका देते रहे, ताकि ऑडियंस में भी अगर वो हमारा सपोर्ट रहेगा तो हमारा जो अकेडमी की जो स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है वो और भी इम्प्रूव करेगी। और भी इम्प्रूव चलिए।